अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ अपना रिसर्च शेयर करूंगा, मतलब यहां पे कुछ दो तीन कॉइन्स है आप लोग साथ शेयर करना था। अगर आप लोग यहां पे कॉइन्स को बाय कर सकते हो या उसको होल्ड कर सकते हो तो आप उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 2 to 3 months में या मे बी इन नेक्स्ट ईयर में आपको ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। या मैं कुछ कॉइन्स में मैंने खुद मिस किए हैं, बट अभी मैं उसको बाय कर चुका हूँ और अभी तकरीबन ऑलमोस्ट मैं अभी आपकी प्रॉफिट में हूँ। और अगर मैं उसको ज़्यादा कॉइन बाय कर लेता उस टाइम, क्योंकि उस टाइम प्राइस काफ़ी लो था, बट अभी इसमें काफ़ी पम्प हुआ है। तो मैं अभी इस पर अपना खुद का एक रिसर्च किया हुआ है, आपको साथ शेयर करना था कि अगर आप लोग अच्छी अर्निंग करना चाहते हो तो आप इस कॉइन्स को लाजमी होल्ड कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो, विद इन मे बी विद इन 1 day 2 months और इस तरह से आप कर सकते हो। बट अगेन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने रिस्क पे कर लीजिएगा, क्योंकि आपने अपना खुद का रिसर्च करना है, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैं आपको यही भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे उतना इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा जितना आप यहाँ पे लॉस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, एनी टाइम यहाँ पे प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है। तो आपने रिस्क पे लाजमी उसको जो है आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मेरे अपनी रिकमेंडेशन है और आप लोग की अपनी यहाँ पे पॉइंट अप हुई है तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पहला कॉइन आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगा और यहाँ पे इसका एयर ड्रॉप भी आने वाला है। अगर आप लोग अभी से इसको होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप में कुछ ना कुछ कॉइन्स मिल सकते हैं, वो है जोल स्विप के नाम से। आपके साथ मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि जब इसको जिस टाइम मैंने शेयर किया था उस टाइम इसकी इसका जो प्राइस था काफ़ी लो था। बट यहाँ पर अगर मैं कॉइन मार्केट के पे चले जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस 0.072 यहाँ पे काफ़ी पम्प कर चुका है। इसका ये कॉइन्स मेरे पास पड़े थे, इसको मैंने फिर सेल कर दिए थे, मैं शॉर्ट प्रॉफिट यहाँ से ले चुका था। अगेन यहाँ पे मैं कल ही इसको 0.037 पे मैंने बाय किया है और अभी आप देख सकते हैं 0.072 यहाँ पे इसका प्राइस है। बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा पम्प हुआ है। यहाँ पे पम्प क्यों हुआ है यहाँ पे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इनका हम ट्विटर अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक इनका एक ड्रॉप आने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन कल ही लास्ट नाइट यहाँ पे इन लोगों ने पोस्ट किया था कि ये लोग स्पेस स्वैप पे यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं। इनको मतलब वहाँ पे इसको लिक्विडिटी वगैरह पे अगर कोई करना चाहते तो वो कर सकते हैं। स्पेस स्वैप वाले ने इनके साथ पार्टनरशिप की है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप कमिंग सून फॉर JULB एंड JULD होल्डर्स। तो जिनके पास JULB कॉइन होंगे या JULD कॉइन होंगे तो उनको एयर ड्रॉप मिल सकता है। यहाँ पे इन लोगों ने अभी क्लियरली नहीं बताया, जस्ट यही बताया। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा पम्प मिला है, काफ़ी लोग यहाँ पे इसको बाय कर रहे हैं और यहाँ पे इसको होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी यही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस कॉइन में। और बाकी यहाँ पे इनका अपना ट्विटर अकाउंट है, इसको अगर आपने फॉलो नहीं किया आप फॉलो कर सकते हैं। रिसेंटली लोग जो है ऑलरेडी जो जोल स्वैप कॉइन है उसका जो एक्सचेंज पे बिट मार्ट पे, आई थिंक बिट मार्ट एक्सचेंज है, यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग एक्सचेंज पे अवेलेबल हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं बिट मार्ट एक्सचेंज वाले ने यहाँ पे ट्वीट किया हुआ है और यहाँ पे कुछ डिटेल वगैरह है वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो और इनके ट्विटर अकाउंट्स को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कॉइन मार्केट में अगेन यहाँ पर वापस चले जाते हैं और इसका प्राइस जो है काफ़ी अच्छा पंप हुआ है। अगर किसी ने यहाँ पे ऑलरेडी पहले बाई किया था तो उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा। तो इसमें क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेकिंग प्रोग्राम है इनका। एक तो इनका अपना खुद का एक जो जिस तरह से यूनि स्वैप हो गया, मतलब इनका अपना स्वैप ऑप्शन है जिसको आप किसी भी कॉइन में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। मेक श्योर करें आप लोग बाइनेंस स्मार्ट चेन को यहाँ पर कनेक्ट करें और उसके थ्रू यहाँ पर लोग कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है BSC पे काफ़ी लो पी है। अगर हम इथेरियम का देख ले, इथेरियम पे काफ़ी हाई पी है। तो इस वजह से ये जो कॉइन्स है जो BSC वाले कॉइन्स है ये काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं इन फ्यूचर में। तो अगर आप लोग इसको होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे इन पर आपको और क्या क्या मिल सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेकिंग प्रोग्राम है इनका, यहाँ पे ऑलरेडी मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे जिसको आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हो और आप यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा अर्निंग उसको जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे
स्टेकिंग प्रोग्राम है, इसको भी आप लाजमी चेक कर लीजिए अगर आप यहाँ पे स्टेकिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे वो कर सकते हो। तो पहले नंबर पे मेरा कॉइन है जॉल स्वैप, क्योंकि इसका प्राइस लो है तो अभी अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो आपको अच्छे कॉइन्स मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पे मेरे पास यहाँ पे एक और कॉइन है जो कि है बेकरी स्वैप के नाम से, जो कि इनका अपना नेटो टोकन है बैक टोकन। यहाँ पे मैं इसका कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं इनका प्राइस भी तकरीबन रिसेंटली काफ़ी अच्छा पंप हुआ है, जो कि 0.16 डॉलर पे चला गया है। और अगर आपके पास ये टोकन है तो आप इसको होल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि इसका प्राइस नियरली $1, $2, $3 तक जा सकता है। क्योंकि जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे काफ़ी लोग इसको कॉइन्स पे आना चाहते हैं, क्योंकि इसका ट्रांजेक्शन फी काफ़ी लो है, तो इस वजह से इसका प्राइस जो है पम्प हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे इसका प्राइस चार्ट दिखा लूँ तो रिसेंटली देख सकते हैं 8 जनवरी को इसका प्राइस था 0.015। अगर यहाँ पे आपने इस एरिया में बाई किया है तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा। बट फिर भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस कॉइन को आप लाजमी बाई कर लीजिएगा। अगेन यहाँ पे पी थोड़ा इसका हाई, सॉरी इसका जो प्राइस है वो थोड़ा हाई हो चुका है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका प्राइस जो है वो $1 टच कर सकता है। यहाँ पे इनके ख़ुद का एक्सचेंज है और ये कॉइन ऑलरेडी जो है बाइनेंस पे लिस्टेड है, तो काफ़ी अच्छे कॉइन है ऑलरेडी। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इस कॉइन में क्या पोटेंशियल है, और ये ऑलरेडी इनका जो ऑडिट हो चुका है, इन कॉइन्स का ऑडिट हो चुका है, बेकरी स्वैप का ऑडिट हो चुका है, तो यहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पर बेकरी स्वैप में आपको यहाँ पे एक्सचेंज मिल सकता है, जैसे कि जॉल स्वैप हो गया, इंडी स्वैप हो गया यहाँ पे। बट अगेन यहाँ पे BSC आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ही यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। आप ट्रस्ट वॉलेट भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे इनका जो दूसरा है मेथड है वो अर्निंग है, यहाँ पे भी आप स्टेकिंग वगैरह कर सकते हो। रिसेंटली उन्होंने बैक एंड डॉग कॉइन्स को यहाँ पे लॉन्च किया है, इनका जो ROI है वो काफ़ी हाई है, तो मतलब यहाँ पे इस पूल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इनमें यहाँ पे NFT जो है, इसमें अभी आप अगर आपके पास NFT है, ये NFT बाय कर लेते हो तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पे बैक कॉइन को अर्न कर सकते हो, या पेट कॉइन यहाँ पे वो उसको भी आप अर्न कर सकते हो। तो इनमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप NFT भी यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हो, उसके थ्रू भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास कुछ बैक टोकन पड़े हैं, यहाँ पे अन बैक पे आप जब जाओगे यहाँ पे आपको सारे फूल मिल जाएंगे। एक तो यहाँ पे बैक है, अगर आपके पास बैक टोकन है आप उसको इंस्टेंटली यहाँ पे स्टेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको 34.1% ROI है। और बाकी यहाँ पे और भी यहाँ पे कुछ पूल्स है जहाँ पे आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना होगा, और उसका ROI थोड़ा सा हाई है, बट यहाँ पे आपको अनपर्फेंट जो लॉस है वो हो सकता है, क्योंकि अगर प्राइस लो चला जाता है तो वो आपको लॉस हो सकता है उसमें। बट अगर आप यहाँ पे बैक कॉइन आपके पास है, आप बाय करते हो तो आप उसको यहाँ पे स्टेक कर सकते हो, उस पर आपको अर्निंग जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ और फूल्स है, उस पर थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आपके पास केक टोकन है तो उसमें भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कॉइन्स को यहाँ पे बेक किया हुआ है, 1018 कॉइन्स मेरे पास पड़े हैं थे और उसको मैंने यहाँ पे स्टेक किया, जिसके थ्रू यहाँ पे मेरे पास 9.953 कॉइन्स यहाँ पे अर्न हो चुके हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे इसका प्राइस जो है वो तकरीबन $1 तक जा सकता है, मे बी वो $0.5 तक भी जा सकता है, बट मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $1 विद इन 1-3 मंथ में हिट कर सकता है। और बाकी यहाँ पे इथीरम है, इथीरम 2.0, यहाँ पे उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इसके लिक्विडिटी पूल है जिसमें आपको इथीरम प्लस बैक कॉइन वो दोनों आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हो तो आपको इथीरम BETH कॉइन, जो बाइनेंस का इथीरम कॉइन है, तो वो आपको मिलेंगे, और साथ साथ बैक टोकन भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो इस पर मैं अलग सा वीडियो पर बना सकता हूँ, तो इसको भी मैं दूसरे नंबर पर रख लेता हूँ। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे आराम से आप लोग टोकन बाय कर सकते हो, इनका अपना जो नेटेड टोकन है बाय कर लीजिएगा और अपने पास होल्ड पर रख लीजिएगा। जो थर्ड पे है मेरे पास कॉइन वो है पैनकेक स्वैप का, यहाँ पे इनका अपना नेटो टोकन है जो कि केक के नाम से है। अगर यहाँ पे हम कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं तो इसका प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं $3.31 यहाँ पे इसका प्राइस है, और ये इसका प्राइस भी रिसेंटली अच्छा पंप हुआ है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 0.5 पे था, यहाँ पे देख 0.4 पे था, 17 दिसंबर को 0.4 पे था, एंड रिसेंटली यहाँ पे ये इनका प्राइस जो है वो अच्छा पंप हुआ है। तो
अभी इसको ये कॉइन मेरे पास भी पड़ा है, इसको भी ऑलरेडी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है एंड आई एक्सपेक्ट कि ये कॉइन $5 to $10 तक ये जा सकता है। तो डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग इसको बाय कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, तो इसका प्राइस $5 to $10 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जा सकता है। बाकी इनका खुद का अपना यहाँ पे स्वैप है, यहाँ पे आप स्वैप आउट कर सकते हो किसी भी, जैसे जोल स्वैप हो गया, बेकरी स्वैप हो गया, यूनिट स्वैप हो गया, इस तरह से सेम इस तरह से इनका खुद का एक स्वैप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इंस्टेंटली स्वैप कर सकते हो। यहाँ पे इनका बेकरी स्वैप का ये जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है उस पर आई थिंक ये जो पैन थे एक स्वैप था ये फैलाया था, उसके बाद बेकरी स्वैप लॉन्च हुआ, उसके बाद जोल स्वैप हो गया, इस तरह से और भी और कॉइन्स भी वो लॉन्च करें। यहाँ पर भी आप फार्मिंग वगैरह कर सकते हो, इसमें आप फार्मिंग ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे सेम उसी तरह से है लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, बट यहाँ पे आप क्या टोकन जो अर्न करोगे वो केक टोकन अर्न करोगे, जो इनका अपना नेटवर्क टोकन है आप उसको अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हो $3.31 है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप तकरीबन 10-20-30 जितने कॉइन्स आप यहाँ पे बाय कर सकते हो बाय कर लीजिएगा, बट मेक श्योर करें रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप रिस्क को कैलकुलेट कर लीजिए उस हिसाब से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ट्रेडिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पे एक्सचेंज वगैरह कर सकते हो एनी टाइम और इजीली यहाँ पे एक्सचेंज अवेलेबल है, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स के यहाँ पे एक्सचेंज आपको मिल जाएंगे और आप उसको इंस्टेंटली एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पूल्स वगैरह हैं उसको भी आप देख लीजिएगा, इसके थ्रू भी आपको अर्निंग जो है जनरेट होगी, जहाँ पर रिटर्न अच्छा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर आप जो कॉइन है वो आपको मिलेंगे, यहाँ पर केक कॉइन मिलेंगे, तो वो आप यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस कॉइन को भी अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो। और ये तकरीबन मेरे 3 कॉइन्स है जिस पे मैं खुद ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास जिस पे मैंने कुछ रिसर्च किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ क्योंकि आपको ये कॉइन्स फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना, इसी नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।